कम ऑन दोस्तों, कम ऑन, आ जाओ, चढ़ जाओ मेरे पे। ये थोड़ा इधर उधर हो गया वैसे। ऑलराइट, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के आठवें अजूबे के बारे में, कुंभ के मेले में बिछड़ी राहुल गांधी की बहन के बारे में, ऐसी प्राणी के बारे में जो सबको सब कुछ ऑन द स्पॉट बोल देती है। ऑन द स्पॉट मेरे को जो बोलना है, ऑन द स्पॉट, On the spot. हाँ, एक ऐसी आत्मा जिसके बॉलीवुड में सब अच्छे दोस्त हैं। वो उनकी करण जौहर उनकी वॉइस नहीं है, बिकॉज रणबीर इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड करण इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, पर काम कोई नहीं देता है। ओ सॉरी, रोस्ट हो गया क्या, यही नहीं करना था। तो एक ऐसी शख्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग जो खुद से एक्सेप्ट करती है कि वो द बिगेस्ट झटका ऑफ बॉलीवुड ऑफ माय कंट्री इंडिया। एक ऐसी शख्स के बारे में जिनको सनी लियोनी रेडिकुलस लगती हैं। रेडिकुलस, हम टैलेंट दिखाएंगे, हम डांस दिखा के ही लोगों के जनता का दिल जीतेंगे, हम लॉलीपॉप खा के जनता का दिल डेफिनेटली नहीं जीतेंगे। एक ऐसी शख्स जो खुद एक बहुत इनोसेंट लड़की है और समाज सेवा भी करती है, वो जेल्स के कैदियों को कंप्यूटर बांटती है। मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ, हर रोज जेल के बाहर गई थी इतने सारे कंप्यूटर देने। आप सब लोगों ने देखा सालों पहले मैं गई थी या नहीं गई थी, बताइए प्लीज। मैं गई थी ताकि वहाँ पे जितने भी कैदी हैं उनका भविष्य सुधरे। और फिर उसी कंप्यूटर में सारे कैदी 4K पे सनी लियोनी की वीडियोस देख के अपना अकेलापन दूर करते। और घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहु बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। मैं अच्छा लॉजिक था ये, मतलब पेट दर्द करेगा तो पेट काट दे। सीलिंग फैन हटाया जाए, टेबल फैन रखो, एसी रखो, जो सबसे ज्यादा एसी रखो, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। मीनवाइल करने वाले हैं एंटरटेनमेंट के पैकेज के बारे में। चलो, कपिल और भारती से तो काफी ज्यादा फनी है वो, ठीक है, ऐसे ही नहीं वापस बिग बॉस में बुला लिए। जल्दी करना, मेरा ओपनिंग है। अरे आपकी ओपनिंग कौन कर रहा है? राखी गुलजार थी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन ये राखी सावंत करण अर्जुन को साथ में लेकर ही आती है, समझ गए? मेरे करण अर्जुन मेरे साथ फिक्स हो चुके हैं। आपके करण अर्जुन को ठाकुर से बचा के रखना दिदे। और अगर ये करण अर्जुन का पुनर्जन्म है ना, तो पछता रहेंगे, ये क्या हो गया करण अर्जुन, ये क्या हो गया हमें। एक सेकेंड। अबे अर्जुन, ये क्या हो गया, अबे हमें ये भगवान ने हमें क्या बोला। इतना हिल डुल के मत बोलो वरना संतरे गिर जाएंगे आपके। अच्छा, हाथ में एप्पल है क्या? ये फिक्स हो गए मतलब क्या था, पहले क्या घर पे निकाल के जाते थे उनको? तो राखी सावंत का बलात्कार रे बार बार तनुश्री दत्ता ने किया है, अंदर से वो एक पूरा लड़का है। अच्छा, बॉयस क्या जी, पॉइंट पे आने दो। तनुश्री दत्ता अंदर से लड़का है? अब ये सुन के इमरान हाशमी तो सदमे में चला जाएगा। बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही हो, तुम्हारे साथ वो एंकर भी इतना चिल्लम चिल्ली कर रहा है। वो गोस्वामी कौन है? अर्णव गोस्वामी जी के साथ, उन्हें क्या लगता है इंग्लिश में इतना चिल्लम चिल्ली करने से लोग आपकी सच बात को मान लेंगे? इंग्लिश में सच बात बोलेंगे इसका मतलब बात सच थी? हाँ, तो सच बात कौन नहीं मानेगा भाई। तुमने मेरे प्राइवेट पार्टों के साथ तुमने क्या क्या किया है? पार्ट्स को पार्टोस कौन बोलता है? मैं तो काफी लोगों के साथ गई हूँ ऐसे पार्टियों में। ले, अब पार्टीज को पार्टियों बोल दिया, इसी बात पे इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनना है। उन्होंने स्मृति ईरानी जी को निकाल के मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। जी, अब एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे तो बच्चे क्या बनेंगे? दीपक कलाल। हाय, दिस इज राखी सावंत। I'm here, राखी का पोती दीपक कलाल। ये है राखी के पोती दीपक कलाल, ये साला अलग ही ब्रीड का है। बाहिया में कसी के सैया मार लो कचा कोच 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 कोच। मैं बता रही हूँ राखी बॉलीवुड में टिके ना टिके, पर इन दोनों के ऐसी बकचोदी चलती रहने तो ये दोनों मिलकर कपिल शर्मा की नौकरी खा जाएंगे। अबे सब ठीक है, पर ये राखी साड़ी पहन के इंटरव्यू दे रही है, मतलब सीन क्या है? कवर्ड हो जाती हूँ, लोग मुझे पहचानते नहीं है आफ्टर वेयरिंग साड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे उसके ससुर जी बैठा के उससे ये सारी चीजें पूछ रहे हो। कौन आपकी बायोपिक प्ले कर सकता है? No, बहुत सारी राधिका आप्टे आजकल बहुत हॉट एंड हैपनिंग है। प्रियंका भी कर सकती मेरा कैरेक्टर, ये अपनी जो वाइब्रेटर वाली हीरोइन कौन है, ओपन लेटर लिखा था। अच्छा, स्वरा भास्कर। हाँ, ओ भाई, ओ,
छोटे साहब अपने इमोशंस को बहने से रोक के मतलब वाइब्रेटर वाली हीरोइन सुनते ही पट से कियारा अडवाणी का नाम। अच्छा ये जो वाइब्रेटर वाली हीरोइन कौन है? ओपन लेटरली तुम तो बड़े है मेरे पुत्र भाई, मतलब एक सेकंड रुक के मन में तर्क वितर्क कर लिए हो तो क्या जल्दी थी इतनी कियारा अडवाणी नाम लेने की। और क्या बोला राखी दीदी ने कि प्रियंका भी उनका बायोपिक कर सकती है? हाँ उसने गजनी रोबोट कॉकटेल हीरोइन जैसी फिल्म इसीलिए तो रिजेक्ट करी थी ताकि वो एक दिन आपका बायोपिक कर सके। मतलब एक बार वो इंटरव्यूअर की शक्ल तो देखो जब राखी ने प्रियंका का नाम लिया तो। प्रियंका भी कर सकती मेरा कैरेक्टर। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, थैंक यू मत बोलो। अच्छा तुम भी बिना लाइक किए जा रहे थे, ठीक है। दोस्त दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है जिंदगी भर का जहर, हाँ जिंदगी भर का गम इनाम दिया है। वीडियो को लाइक करो यार अगर वीडियो पसंद आया तो, और अपना फेवरेट पर कमेंट जरूर करें एंड डोंट शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। एक भी गाली नहीं दिया है, सबके साथ शेयर जरूर करना एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। हिट इट, हिट द बेल आइकॉन एंड यस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।